दिल्ली में महिला का रेप। दिल्ली में एक बिजनेस वूमेन के साथ रेप का मामला सामने आया है। यह घटना दिल्ली के पोस्ट इलाके कैनोट की है। पुलिस के मुताबिक यह घटना शुक्रवार शाम की है। साउथ दिल्ली की ये महिला चंडीगढ़ का रहने वाले एक बिजनेसमैन से मीटिंग के सिलसिले में मिली थी। लंच पर दोनों की मुलाकात हुई। इस महिला का आरोप है, आरोपी ने उसकी ड्रिंक में कोई नशीला पदार्थ मिला दिया था, जिससे वो बेसुध हो गई और इसके बाद आरोपी ने उसे होटल के कमरे में ले जाकर उसके साथ रेप की वारदात की और आरोपी फरार हो गया। महिला ने पुलिस को बताया वो आरोपी को जानती है और बिजनेस के सिलसिले में वो पहले भी आरोपी से मिल चुकी है। महिला के आरोपों के आधार पर पुलिस ने आईपीसी की धारा 376 के तहत रेप का मामला दर्ज किया है और आरोपी की तलाश जारी है। प्लाईवुड फैक्ट्री में अचानक भीषण आग लगी। यूपी के हापुर इलाके में प्लाईवुड फैक्ट्री में अचानक भीषण आग लग गई, जिससे करोड़ों की प्लाईवुड जलकर खाक हो गई। हालांकि आग पर अब तक काबू नहीं पाया गया। मौके पर 3 दमकल की गाड़ियां पहुंची। आग लगाने की वजह का अभी तक पता नहीं चल सका। आग पर काबू पाने की कोशिश जारी है। सूरत क्राइम ब्रांच ने गिरफ्तार किया वांटेड क्रिमिनल। सूरत पुलिस ने रावत गैंग के सरगना प्रवीण रावत को बिहार में अरेस्ट किया। प्रवीण रावत बिहार में एक बिल्डर से 2 करोड़ की रंगदारी मांग रहे थे और न देने पर बिल्डर को परिवार समेत जान से मारने की धमकी भी दी। प्रवीण रावत के खिलाफ पहले भी कई केस दर्ज है, जैसे 3 मर्डर, लूट और रंगदारी वगैरह। पुलिस के मुताबिक इस बार उस पर आरोप लगा है सूरत के बिल्डर युवराज पाटिल को धमकाकर 2 करोड़ की रंगदारी मांगने का। आसाम में पहली बार मतदाताओं ने अपने अपेक्षाओं को आवाज दी। आसाम विधानसभा चुनाव में जाने के साथ ऊपरी आसाम के जोरहाट जिले के लोगों को इस मतदान से उच्च उम्मीद है। युवाओं के बीच नौकरी एक प्रमुख एजेंडा है। मतदाता डिंपल गोगाई चाहते हैं कि स्कॉलरशिप की रकम में बढ़ोतरी होनी चाहिए। आसाम के जोरहाट जिले के निवासी इस मतदान को लेकर काफी उत्सुक है, पर यह मतदान राजनीति पार्टियों के लिए आसान नहीं है। कई मतदाता नौकरी और उच्च शिक्षा में सुधार की उम्मीद कर रहे हैं, वहीं कईयों के लिए आरक्षण एक प्रमुख चिंता का विषय है। जैसे कि हम लोग का HSLC का एग्जाम हुआ था, जिसमें बहुत सारे लड़कों ने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया था और उनका सारा का सारा आंसर्स की जोरहाट डिस्ट्रिक्ट में जला दिया गया था, जल गया था। बाइक एक्सीडेंटली जलो चाहे कैसे भी जलो, उसके लिए सरकार सबसे पहले रेस्पॉन्सिबल होती है। तो उस मैटर को हम लोग ध्यान में रख के पहले वोट करेंगे। और दूसरा मुद्दा ये है, जो हमारा पिछला वाला वर्ग है, जो गांव है, अभी भी लोग कागजों में कहते हैं कि उन लोग का डेवलपमेंट हो चुका है, लेकिन ऐसा हुआ नहीं है बिल्कुल भी। और हमारी पंचायत वगैरह है, उन सब के ऊपर में भी डिपेंड करके हम लोग वोट करेंगे। और एक तरीके से हम लोग छोटे हैं, लेकिन फिर भी हम लोग को पता है क्या इसका चल रहा है और हम लोग का माइंडसेट एकदम क्लियर है, उसको फोकस में रख के हम लोग वोट डालने वाले हैं इस बार। श्रीनगर में फहराया पाकिस्तानी झंडा, सुरक्षा कर्मियों के साथ हुई झड़प। श्रीनगर में सुरक्षा कर्मियों और कुछ अज्ञात लोगों के बीच शुक्रवार को झड़प हो गई। बताया जा रहा है कि श्रीनगर के प्रमुख वाग में कुछ अज्ञात लोग पाकिस्तान का झंडा फहरा रहे थे, जिसके बाद दोनों के बीच झड़प हो गई। ये अज्ञात लोगों ने अपने चेहरों को कपड़े से ढक रखा था और पाकिस्तान का झंडा लहराते हुए पाकिस्तान के पक्ष में नारे भी लगाए। जब सुरक्षा कर्मियों ने हवाई गोलाबारी की, तब इन अज्ञात लोगों ने पत्थरों से पलटवार किया। आफरीन शेख, इंडिया लाइव न्यूज़, मुंबई।